तो हाय यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बॉयलर क्या है, बॉयलर की हिस्ट्री क्या है। तो इस बात पे यार अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। उससे पहले बता दूं इस पूरे टॉपिक के ऊपर बॉयलर क्या है, उसके बाद बॉयलर की हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल जो है पोस्ट लिखा हुआ है अपने वेबसाइट के ऊपर और काफ़ी पहले वो पोस्ट लिख दिया था। अगर वो पोस्ट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके पूरा पोस्ट आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि बॉयलर क्या है। बॉयलर एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसा स्पेशल बर्ड है जिसे स्पेशली मीट के लिए डेवलप किया गया है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है नॉर्मली 35 से लेकर 42 दिन तक की होती है। और ये जो है 42 दिन में लगभग ये 4 किलो 200 ग्राम से 4 किलो 600 ग्राम के बीच में दाना खाता है। और इसका वजन नॉर्मली अगर अच्छा खासा मौसम चल रहा है तो 2 किलो 400 से लेके 2 किलो 600 ग्राम तक का इसका बॉडी वेट आ जाता है। और अभी के टाइम में जो FCR तो वैसे लोग 1.4 तक का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके FCR की बात किया जाए बॉयलर के FCR की, तो बॉयलर का FCR इस समय क्या आ रहा है 1.55 से लेके 1.75 तक का बॉयलर का FCR आ जाता है। और इसको जो है बॉयलर को क्या कहते हैं, बॉयलर को लोग जो है अपने साइंस वर्ल्ड में इसे मैजिक बर्ड भी कहते हैं। मैजिक बर्ड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बॉडी वेट होता है ये काफ़ी फास्ट बढ़ता है। ये जिस भी इस पे जो भी आता है ना, जो भी मतलब ये छोटा सा जिस आता है 35 ग्राम का 40-47 ग्राम का, उस स्पीड से जो ये बढ़ता है 42-45 दिन में, उसकी वजह से इसको मैजिक बर्ड किया जाता है। और इसका जो बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और इसके मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। ये हो गया, मैंने समझा दिया आपको बॉयलर क्या। अब ये जान लेते हैं कि बॉयलर की हिस्ट्री क्या है। तो बॉयलर की हिस्ट्री ये है कि इसको जो है 1920-1930 में बॉयलर को काफ़ी सारे देश जैसे कि जॉर्जिया हो गया, उसके बाद न्यू इंग्लैंड हो गया, ऐसे सारे देशों ने अपने यहाँ पे जो है इसे पालना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर बात करूँ 1940 से 1960 के बीच में बॉयलर की बड़ी बड़ी हैचरियाँ, फीड मिल और उसके फार्म बनना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद बात करूँ 1949 की अगर बात करूँ तो अमेरिका में जो है बॉयलर जो है रेडी कुक, मतलब जो है आइस पैक में आता था, उसे सीधा लाओ बनाओ और पैक खोलो और डालो और सीधा वो बन के तैयार हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मैगी को ले सकते हैं, मैगी की तरह वो हो गया था कि उसे रेडी कुक रहता था। उसके बाद 1952 आता है, 1952 में अमेरिका जैसे देश में चिकन जो है मोस्ट पॉपुलर हो जाता है। अदर चिकन देखिए काफ़ी सारे चिकन थे उसमें बॉयलर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और चिकनों की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद आता है 1960 से 1970 के बीच की बात करें तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो बॉयलर को अपने ब्रांड के अंदर ला के, मतलब जैसे कि वेंकिस है फॉर एग्जांपल के तौर पे पता है, इंडिया में वेंकिस है, तो वैसे वहाँ की जो कंपनियां थी वो अपने ब्रांड के अंदर बॉयलर को बेचना शुरू कर दी थी, बॉयलर चिकन को बेचना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन लोग न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी हर जगह पे जो है उसका एडवर्टाइजमेंट भी देने लगे थे। अगर आप बात कर लेते हैं कि इंडिया में बॉयलर कब आया, तो इंडिया में बॉयलर जो है 1980 में आया था, डॉक्टर वीवी राव ने इसे लेके आया था। और उस समय जो है इंडिया में उन्होंने बॉयलर और लेयर दोनों का ही प्योर लाइन डॉक्टर वीवी राव ने यहाँ पे लेके आए थे। और 1980 में ही जो है बॉयलर जो है मतलब ये खड़ा, पहले लोग खड़ा बॉयलर बेचते थे, लेकिन 1980 में ही खड़े बॉयलर की जगह लोग जो है काट के, मतलब बॉयलर को काट के उसे किलो के हिसाब से लेने लगे, या फिर रेडी टू कुक यानी कि कुक मतलब बना बनाया पका पकाया एक पैकेट में आए और उसको घर पे आओ, उसके बाद फ्राई करो, आराम से खाना स्टार्ट कर दो, उस तरह से बॉयलर हो गया था। उसके बाद अगर 1985 की बात करें तो 1985 में सुअर से ज़्यादा बॉयलर खाया जाने लगा था। उसके बाद अगर 1992 की बात करता हूँ तो 1992 में बॉयलर जो है बीफ जो होता है उसको पिछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एनिमल बन गया था, जिसे सबसे ज़्यादा लोग खा रहे थे। और अभी के टाइम में बॉयलर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एनिमल है इस प्लैनेट में, जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, मतलब आसानी से कोई भी इसे खा सकता है क्योंकि ये प्राइस में काफ़ी कम होता है। तो अगर और जो इसका वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि बॉयलर का यार वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो भाई बॉयलर का वेट तो बढ़ेगा, उसके पीछे 1920-1914 से जो है उसके पीछे काम चल रहा है, उसके पीछे लगातार उसके ऊपर मेहनत हो रही है, तब जाके बॉयलर आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं और अभी तो बदनाम करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा मिल गए। अगर बॉयलर का थोड़ा सा ब्रीड के बारे में बात कर लूँ तो बॉयलर ब्रीड में कॉब इस समय जो है अपने आप को सबसे पुराना ब्रीड क्लेम करता है। 1916 में जो है रॉबर्ट सी कॉब ने जो है कॉब का जो है स्थापना की थी, और कॉब जो है अपने आप को जो है सबसे पुराना
ब्रीड जो है कंसीडर करता है कि हम सबसे पुराने हैं। कॉप जो इस समय वैंकॉप करके आता है, वैसे कॉप अलग, कॉप का खुद का अलग भी है, जैसे कॉप 500 कॉप कुछ 100 हैं, और इंडिया में बात की जाए तो उसको वैनकॉप यानी कि वैंकिस के साथ मर्ज होकर कॉप को लगाया जाता है, यानी कि कॉप 400 कॉप 435। तो इस तरह से वो जो कॉप है वो अपने आप को सबसे पुराना ब्रॉयलर कंसीडर करता है ब्रीड में। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो हब्बार्ड, तो हब्बार्ड को जो है ओलिवर हब्बार्ड ने 1921 में उसकी स्थापना की थी, और तब से ओलिवर, तो ये हब्बार्ड जो है वो दूसरा ब्रीड है जो अपने आप को सेकेंड जो है मोस्ट मतलब बहुत ही पुराना ब्रीड कंसीडर करता है वो। मतलब उनका कहना है कि हम बहुत ही समय से इस ब्रॉयलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इंडिया में ब्रॉयलर स्ट्रेन की बात की जाए, ब्रीड नहीं ब्रॉयलर स्ट्रेन, मतलब ब्रीड अलग है स्ट्रेन अलग है, तो स्ट्रेन कौन कौन सा है, तो स्ट्रेन में इंडिया में जो स्ट्रेन है वो है वैनकॉप है, उसके बाद कसाली ब्रॉयलर है, हब्बार्ड है, उसके बाद रॉस है, अनक 2000 है, लोमान है, इस तरह के कुछ ब्रॉयलर के स्ट्रेन है जो इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया की सबसे एक अच्छी बात बताऊँ, मतलब अच्छी बात कहो या फिर पूरा डोमिनेशन कहो, तो वो ये है कि इंडिया में जो है 75% मार्केट शेयर ब्रॉयलर का जो है वैंकिस के पास है। यानी कि अगर 100 मुर्गे इंडिया में ब्रॉयलर बिकते हैं, 100 ब्रॉयलर बिकते हैं, तो उसमें से 75 ब्रॉयलर जो है अकेले वैंकिस का ही रहता है। और वैंकी और इस समय जो है ब्रॉयलर का जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो 300 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप समझ सकते हैं कि वैंकिस जो है कितने आगे जा चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है ब्रॉयलर में अपने आप को। तो 75% मार्केट शेयर उसका ही है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर है। तो ये रही कुछ ब्रॉयलर की हिस्ट्री, तो ब्रॉयलर की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रॉयलर क्या है वो बताया, उसके बाद और भी काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को दी। अब तो अगर कोई आपसे बोलता है कि ब्रॉयलर का वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो आप उसे बोल सकते हो कि हाँ भाई ब्रॉयलर का वजन तो तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी लंबी मेहनत की गई है, इस वजह से जाके ब्रॉयलर का वजन आज इतना तेज़ी से बढ़ता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो पे आपका कोई भी कमेंट हो तो नीचे जाके कमेंट करो, और या मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ये पूरा पोस्ट पढ़ सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि और भी लोगों को ब्रॉयलर के बारे में पता चल सके। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।